किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो और मैं हूं पवन। साप्ताहिक कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत आज से हम प्रसारित करने जा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक दिमागी गुलामी की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस किताब में कुल 10 लेख हैं, जिन्हें अलग अलग कड़ियों में क्रमबद्ध रूप से हर बुधवार को प्रसारित किया जाएगा। किताब का पुनर्प्रकाशन किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने, जिसे आप चाहें तो janchetnabooks.org से संपर्क करके खरीद सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने ये किताब आजादी आंदोलन के दौरान लिखी थी और आज भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, क्योंकि आज भी हमारा समाज मानसिक दास्तां की उन्हीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज आप सुनेंगे इस किताब का पहला लेख, जिसके शीर्षक के आधार पर ही इस किताब का नाम रखा गया है, यानी दिमागी गुलामी। इसे आवाज दी है साथी पारुल शारदा ने। तो इस लेख को सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दास्ता के बंधन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और इसलिए इसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दास्ता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक और इतनी जटिल हैं कि हम तब तक उनका कोई हल सोच नहीं सकते जब तक कि हम साफ साफ और स्वतंत्रता पूर्वक इन पर सोचने का प्रयत्न न करें। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीयता की बाढ़ सी आ गई, कम से कम तरुण शिक्षितों में। यह राष्ट्रीयता बहुत अंशों में श्लाघ्य रहने पर भी कितने ही अंशों में अंधी राष्ट्रीयता थी। झूठ सच जिस तरीके से भी हो, अपने देश के इतिहास को सबसे अधिक निर्दोष और गौरवशाली सिद्ध करने, अर्थात अपने ऋषि मुनियों, लेखकों और विचारकों, राजाओं और राज संस्थाओं में 20वीं शताब्दी की बड़ी से बड़ी राजनीतिक महत्व की चीजों को देखना हमारे इस राष्ट्रीयता का एक अंग था। अपने भारत को, प्राचीन भारत और उसके निवासियों को हमेशा से दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऊपर साबित करने की दुर्भावना से प्रेरित हो हम जो भी अनाप शनाप ऐतिहासिक खोज के नाम पर लिखें, उसको यदि पश्चात्य विद्वान ना माने तो झट से फतवा पास कर देना कि सभी पश्चिमी ऐतिहासिक अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन, अमेरिकन और रूसी, डच और चेकोस्लाव सभी बेईमान हैं। सभी षड्यंत्र करके हमारे देश के इतिहास के बारे में झूठी झूठी बातें लिखते हैं। वे हमारे पूजनीय वेद को 3.5 और 4 हजार वर्षों से अधिक पुराना नहीं होने देते, हालांकि वे ठीक 1,92,000 वर्ष पहले बने थे। इन भले मानसों के ख्याल में आता है कि अगर किसी तरह से हम अपनी सभ्यता, अपनी पुस्तकों और अपने ऋषि मुनियों को दुनिया में सबसे पुराना साबित कर दें, तो हमारा काम बन गया। शायद दुनिया हमारे अधिकारों की प्राचीनता को देखकर बिना झगड़ा झंझट के ही हमें आजाद हो जाने दे, अन्यथा हमारे तरुण अपनी नसों में उस प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं का रक्त होने के अभिमान में मतवाले हो जाएं और फिर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी उनके बाएं हाथ का खेल बन जाए, और तब हमारे देश को आजाद हो जाने में कितने दिन लगेंगे। आज हमारे हाथ में चाहे आग्नेयास्त्र ना हो, नई नई तोपें और मशीन गन ना हो, समुद्र के नीचे और हवा के ऊपर से प्रलय का तूफान मचाने वाली पनडुब्बियां और जहाज ना हो, लेकिन यदि हम राजा भोज के काठ के उड़ने वाले घोड़े और शुक्र नीति में बारूद साबित कर दें, तो हमारी पांचों उंगलियां घी में। इस बेवकूफी का भी कहीं ठिकाना है कि बाप दादों के झूठ मूठ के ऐश्वर्य से हम फूले ना समाएं और हमारा आधा जोश उसी की प्रशंसा में खर्च हो जाए। अपने प्राचीन काल के गर्व के कारण हम अपने भूत के स्नेह में कड़ाई के साथ बन जाते हैं, और इससे हमें उत्तेजना मिलती है कि अपने पूर्वजों की धार्मिक बातों को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार हो जाएं।
बारूद और उड़न खटोला में तो झूठ सांच पकड़ने की गुंजाइश है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो अंधेरे में काली बिल्ली देखने के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। ना यहाँ 16 आना 32 रत्ती ठीक ठीक तौलने के लिए कोई तुला है और ना झूठ सांच की कोई पक्की कसौटी। एक चलता पुर्जा बदमाश है, उसने अपने कौशल, रुपए पैसे और धोखे धड़ी और तरह तरह के प्रलोभन से कुछ स्वार्थियों या आग के अंधे गांठ के पूरों को मिलाकर एक नकटा पंथ कायम कर दिया और फिर लगी हजारों छोटी मोटी शिक्षित और मूर्ख, काली और सफेद भेड़े हा हा कर नाक कटाने। जिंदगी भर वह बदमाश मौज करता रहा। मरने के बाद उसके अनुयायियों ने उसे और ऊंचा बढ़ाना शुरू किया। अगर उस जमात को कुछ शताब्दियों तक अपने इस प्रचार में कामयाबी मिली तो फिर वह धूर्त दुनिया का महान पुरुष और पवित्र आत्मा प्रसिद्ध हो गया। पुराने वक्त की बातों को छोड़ दीजिए, मैंने अपनी आंखों से ऐसे कुछ आदमियों को देखा है जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी तक जिंदा है। उनका भीतरी जीवन कितना घृणित, स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर भक्त लोग उनके दर्शन, सुमधुर आलाप से अपने को अहोभाग समझने लगते थे। नजदीक से देखिए, ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम ढोंग के प्रचार के लिए खुली पाठशालाएं हैं और धर्म प्रचार क्या, पूरे 100 सैकड़े नफे का रोजगार है। अधिकांश लोग इसमें अपने व्यवसाय के ख्याल से जुटे हुए हैं। अयोध्या में एक महात्मा थे, उनसे राम जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं वैकुंठ से आकर उनका पाणी ग्रहण किया। हाँ, पाणी ग्रहण किया, पुरुष थे पहले, पीछे तो भगवान की कृपा से वह उनकी प्रियतमा के रूप में परिवर्तित कर दिए गए थे। राम जी के लिए क्या मुश्किल है, जब पत्थर मनुष्य के रूप में बदल सकता है तो पुरुष को स्त्री के रूप में बदल देना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा परिवर्तन तो आजकल भी अनायास कितनी बार देखा गया है। एक नया मत इधर 50-60 वर्ष से चला है, वह दुनिया भर की सारी बेवकूफियों, भूत प्रेत, जादू मंत्र सबको विज्ञान से सिद्ध करने के लिए तुला हुआ है। बेवकूफ हिंदुस्तानी समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से गधे नहीं निकलते और सभी जैक और जॉनसन साइंस छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करते। इन अधकचरे पंडितों ने अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर भूत प्रेत, देवी देवता, साधु पूजा सबको 30 बरस पहले निकले वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध करना शुरू किया। हालांकि उन सिद्धांतों में अब 75% गलत साबित हो गए हैं, लेकिन अभी अंधे भक्तों के लिए उस पुराने विज्ञान के पुट से तैयार किए हुए ग्रंथ ब्रह्म वाक्य बन रहे हैं। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है ही, काल और देश दोनों के ख्याल से हमारी बेवकूफियों की लिस्ट भी उसी तरह बहुत लंबी चौड़ी है। अंधी राष्ट्रीयता और उसके पैगंबरों ने हम में अपने भूत के प्रति अत्यंत भक्ति पैदा कर दी है और फिर हमारी उन सभी मूर्खताओं के पोषण के लिए सड़ी गली विज्ञान की थ्योरियां और दिवालिये श्वेतांग तैयार ही हैं। फिर क्यों ना हम अपनी अक्ल बेच खाने के लिए तैयार हो जाएं? जिनके यहाँ वायु यान ही नहीं, काठ के घोड़े भी आकाश में उड़ते हों, जिनके यहाँ बारूद और आग्नेयास्त्र ही नहीं, मुख से निकली हुई ज्वाला में करोड़ों शत्रु एक क्षण में जलकर राख हो जाते हों, जिनकी सूक्ष्म दार्शनिक विवेचनाओं और आत्मवंचनाओं को सुनकर आज भी दुनिया दंग हो जाए, वह भला किसी बात को झूठा लिख सकते हैं? तिपाई पर भूत बुलाना, मेस्मरिज्म, हैप्नोटिज्म आदि के द्वारा पहले वैज्ञानिक ढंग से हमें अपनी विस्तृत होती जाती बेवकूफियों के पास ले जाया गया और अब तो विज्ञान पारितोषिक विजेता लोग सरे मैदान हरसुराम और हरिराम ब्रह्मा की विभूति बांट रहे हैं। आखिर जब नोबेल पुरस्कार विजेता ऑलिवर आज भूतों प्रेतों पर पुस्तकें लिख रहा है और कसम खा खा कर लोगों में उनका प्रचार कर रहा है तो हमारे इन स्वदेशी भाइयों का कसूर ही क्या? अभी तक शिक्षित लोग फालित ज्योतिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसके भी काफी अधिक हिमायती हो चले हैं। वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। 27 अगस्त की सर्च लाइट एक ज्योतिषी महाराज की मौसम संबंधी भविष्यवाणी को एक प्रधान पृष्ठ पर स्थान देती है।
फिर पूना में लाखों रुपए खर्च करके इसके लिए यंत्र और विशेषज्ञ रखने की क्या जरूरत है। स्वदेशी का जमाना है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी हो गया है। ज्योतिषियों को चाहिए कि एक बड़ा सा डेपुटेशन लेकर मुख्यमंत्रियों से मिले। उनको विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस के 6 प्रांतों में ऐसे मंत्री बहुत कम ही होंगे जिनका ज्योतिष में विश्वास ना होगा। ज्योतिषी लोग देश सेवा के ख्याल से अपना वेतन कम करने को तैयार होंगे ही। फिर क्या जरूरत है कि स्वदेशी साधन के रहते ऋतु भविष्य कथन के यंत्र, भूकंप के सिस्मोग्राफ आदि का बखेड़ा और उस पर हजार हजार 1500-1500 रुपए महीना लेने वाले विशेषज्ञों को रखा जाए। ज्योतिषी लोग अपने काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। उन्हें न यंत्रों की आवश्यकता है और न बाहर से सूचनाओं के मांगने की। एक स्थान पर बैठे बैठे ही वह सभी बातें बतला दिया करेंगे। फिर तारीफ यह कि एक ही आदमी अतिवृष्टि और अनावृष्टि को भी बतला देगा और भूकंप को भी। स्वराज्य की किश्त आने जाने में अगर कुछ देर होगी तो उसे भी नेताओं की जन्म पत्री देख कर बतला देगा। अभी इसी साल एक महाराज बादशाह की गद्दी देखने विलायत जाना चाहते थे। दुष्ट ग्रहों की उन्हें बड़ी फिक्र थी और उनसे भी अधिक फिक्र थी उनकी माँ की। एक ज्योतिषी जी ने आकर मेष मिथुन गिनकर महाराज को भी संतुष्ट कर दिया कि कोई ग्रह खिलाफ नहीं है और माँ को भी खम ठोक कर कह दिया कि महाराज को कोई अनिष्ट नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। सब लोग प्रसन्न हो गए। ज्योतिषी जी को 5000 रुपए मिले। भला इतना सस्ता जिंदगी का बीमा कहीं हो सकता है? ऐसा होने पर एक और फायदा होगा, हरेक प्रांतीय सरकार में एक सरकारी ज्योतिषी और 10-5 सहायक ज्योतिषी होने पर मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी ज्योतिषियों के पीछे गली गली की खाक ना छाननी पड़ेगी। अपनी बीवी और छोटे मोटे बबुआ बबुनी सबका वर्ष फल साल का साल पहुंचता रहेगा। स्वदेशी व्यवसाय को जरूर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए और इससे बढ़कर शुद्ध स्वदेशी व्यवसाय और क्या हो सकता है, जिसके दिल दिमाग शरीर और परिश्रम सभी चीजें 16 आने स्वदेशी हैं। हम लोगों के मिथ्या विश्वास क्या एक दो हैं कि जिन्हें एक छोटे से लेख में लिखा जा सके? हमारे यहाँ तो इसके मिसल के मिसल और फाइल की फाइल तैयार है। और तारीफ यह है कि इन बेवकूफियों के भारी भरकम बोझ को सिर पर लादे हुए हमारे नेता लोग समुन्द्र पार कर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि बैकुंठ के भगवान, आकाश के नवग्रह और पृथ्वी के ज्योतिषी और ओझा सयाने उनकी यात्रा में जरूर कुछ हाथ बटाएंगे। हमारी जाति पांति की व्यवस्था को ही ले लीजिए, वह हमारे ऋषि मुनियों के उन बड़े आविष्कारों में है जिन पर हमें बड़ा अभिमान है। राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के साथ साथ यद्यपि कुछ इन्हें गिने लोग जाति पाति के खिलाफ मुले लगे, लेकिन अब भी हमारे उच्च कोटि के नेताओं का अधिकांश भाग अपने ऋषियों की इस अद्भुत विशेषता की कद्र करने को तैयार है। नेताओं ने देख लिया कि यह जाति पाति आपस के फूट भेदभाव के बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तो भीतर भीतर जाति संगठन भी इन्होंने कर रखा था और अब भी बहुतों को उसे छोड़ने में मोह लगता है। मैं अन्य नेताओं की बात नहीं कहता, मैं खास कांग्रेस के नेताओं की बात कहता हूँ। उन बेचारों को इसी कोशिश में मरना पड़ रहा है कि कैसे राष्ट्रीयता और जाति पाति दोनों साथ दाहिने बाएं कंधे पर वहन किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो जरूर समझ लिया होगा कि यह असंभव है। शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आप जाति पाति तोड़ने पर तैयार ना हो। अगर आप जाति पाति तोड़े हुए नहीं है तो आपका वास्तविक संसार आपकी जाति के भीतर है, बाहर वालों के साथ तो सिर्फ काम चलाओ समझौता है। जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर आपकी राय को प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपके जाति भाइयों की होगी। नौकरी चाकरी दिलाने, सब कमेटी में भेजने और सिफारिशी चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जाति का ख्याल करना होगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियां जरूर हैं, लेकिन वहाँ ऐसी फर्क फर्क कोठरियाँ नहीं है जिनमें एक में जाति पाति का भाव पड़ा रहे और दूसरे में उससे अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे।
जैसे किसानों के आंदोलन में आने वाले समझदार आदमियों को पहले ही से तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है, वैसे ही राष्ट्रीयता के पद पर पैर रखने वालों को भी समझना चाहिए कि उन्हें जाति पाति की दीवारों को तोड़ गिराना होगा। यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रहना चाहता है और साथ ही अपने जाति भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है, तो या तो वह ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। अपनी जाति के साथ घनिष्ठता रखकर कैसे दूसरी जाति का विश्वास पात्र कोई हो सकता है? मंत्रियों को तो खास तौर से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जाति भाइयों की घनिष्ठता उन्हें आसानी से बदनाम कर सकती है। मेरी समझ में प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए और व्यक्तिगत तौर से नेताओं के लिए अच्छा यही है कि हर एक प्रधान नेता तुरंत से तुरंत अपने लड़के लड़कियों, भतीजे भतीजियों अथवा भांजा भांजियों या नाती नतीनियों में से कम एक की शादी जाति पाति तोड़कर दिखला दे, जैसा कि महात्मा गांधी जी तथा राजगोपालाचारी ने करके दिखाया। आंख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरत मानसिक क्रांति की है। हमें दाहिने पाएं, आगे पीछे और दोनों हाथ नंगी तलवार ना चाहते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना चाहिए। क्रांति प्रचंड आग है, वह गांव के एक झोपड़े को जलाकर चली नहीं जाएगी, वह उसके कच्चे पक्के सभी घरों को जलाकर खाक कर देगी और हमें नए सिरे से नए महल बनाने के लिए नींव डालनी पड़ेगी। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक दिमागी गुलामी का पहला लेख। इसके कुल 10 लेखों को क्रमबद्ध रूप से हर बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे। इस लेख को आवाज दी थी साथी पारुल शारदा ने। किताब का पुनर्प्रकाशन किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। तो अगले बुधवार को इसके अगले लेख के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।